नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल विजय चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आज बताऊंगा गूगल फोटोज की कुछ हिडन फीचर्स यानी बहुत ही शानदार ट्रिक्स दोस्तों, जो कि आप नहीं जानते दोस्तों। अगर आपके फ़ोन में एक गूगल फोटोज नाम का एक एप्लीकेशन होता है दोस्तों, वहाँ पर बहुत ही कमाल कमाल की और बहुत ही यूजफुल ट्रिक्स छुपी हुई है जो दोस्तों आप नहीं जानते दोस्तों। और दोस्तों, वो ही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब वीडियो होने वाली है दोस्तों। अगर आप वो ट्रिक जान जाएंगे तो दोस्तों आप कहेंगे कि ये आप मतलब चौंक जाएंगे और आप कहेंगे कि मेरे फ़ोन में ऐसा एप्लीकेशन है और मुझे ये पता नहीं है कि दोस्तों ये मेरे फ़ोन में ऐसी ट्रिक्स भी है दोस्तों। और दोस्तों, मैं यही बताऊंगा कि आपका जो मोबाइल डाटा होता है वो गूगल फोटोज में कितना खर्च होता है दोस्तों, कितना ज़्यादा खर्च होता है दोस्तों। तो इस वीडियो को फुल कंप्लीट देखो दोस्तों और चलते हैं दोस्तों अपने फ़ोन पर। चलता हूँ दोस्तों, दिखाता हूँ मैं आपको कि ये दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। इस वजह से दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और एक कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाना दोस्तों। तो दोस्तों, आपको अपने फ़ोन पर आ जाना है दोस्तों, जिसका और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस एप्लीकेशन का नाम है वो गूगल फोटोज यानी फोटोज के नाम से किसी के फ़ोन पे होगी या फिर गूगल फोटोज के नाम से दोस्तों होगी, ये दोस्तों एप्लीकेशन होती है दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों, मैं आज आपको दो या तीन चार ट्रिक बताऊँगा जो कि इसी में छुपी हुई है दोस्तों, बहुत ही शानदार बहुत ही लाजवाब ट्रिक है दोस्तों। तो इस वीडियो को फुल कम्प्लीट देखते रहिए दोस्तों और एक एक समझ कर वीडियो देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मैं आपको पहले बताऊँगा कि दोस्तों, अगर आपने मतलब सपोज किया हो या महसूस किया होगा दोस्तों, जैसे कि आपके फ़ोन पे आपका जो इंटरनेट डाटा है वो दोस्तों 1 GB 1.5 GB आपको मिलता है दोस्तों, और उसे कभी कभी आप यूज भी नहीं करते दोस्तों, यानी आप 2 या 3-4 दिन में कभी कभी यूट्यूब देख लेते हैं, कभी कभी डाउनलोड कर लेते हैं, और जो आपका डाटा है वो बेकार में चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता पता था दोस्तों कि ये डाटा मेरा चला कहाँ गया दोस्तों। तो दोस्तों, वो भी हिडन फीचर्स इसके अंदर छुपा हुआ है दोस्तों, वो ट्रिक भी इसके अंदर छुपी हुई है दोस्तों कि आपका डाटा कहाँ गया और किस जगह गया दोस्तों। तो इस वीडियो को फुल कंप्लीट देखो दोस्तों, ताकि मैं दोस्तों आपको बिल्कुल सही से समझा सकूं और बता सकूं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 3-4 ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, और लास्ट की जो ट्रिक है बहुत ही कमाल की है, बहुत ही शानदार है दोस्तों, ठीक है ना। चलते हैं, इसको ओपन करते हैं हम। ओपन करने के बाद दोस्तों, फिर मैं आपको यहाँ पर दिखाता देता हूँ दोस्तों कुछ कमाल के ऑप्शन दोस्तों। यहाँ पर मैं इसको बैकअप कर लूँगा दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम्स, बहुत सारे अच्छी अच्छी लोकेशंस, बहुत ही अच्छा अच्छा सिस्टम्स यहाँ मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, इसे आपको अपने फ़ोन पर आपको ओपन होगा, अगर नहीं होगा तो ओपन इसे ओपन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है आपके फ़ोन के लिए बहुत ही कमाल का है। तब दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपल से जाना कहाँ है, ट्रिपल डैश पे दोस्तों, ठीक है ना। ट्रिपल डैश पे जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने सेटिंग्स पे चले जाना है दोस्तों। सेटिंग्स पे जाने के बाद दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों यहाँ पर क्या क्या सिस्टम्स होते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों, आपको यहाँ पर बैक अप साइन इन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको ये जो दोस्तों बंद होगी दोस्तों, इसको आपको मतलब ओपन कर देना है दोस्तों। जो तो ये जो डाटा होता है दोस्तों बंद होता है, इसे ओपन कर देना है दोस्तों। और यहाँ पर आपको जो लिमिट डाटा होती है दोस्तों, वो जहाँ पे ज़्यादा ही सेलेक्ट होती है उसे दोस्तों अपने ही अनुसार से सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, जहाँ पे आपकी डाटा यानी इंटरनेट जो है मतलब डाटा है वो बहुत ही कम खर्च हो दोस्तों। तो यहाँ पर आपको कल डाटा यूज पे चले जाना है। किसी के फ़ोन पर मोबाइल डाटा यूज लिखा होगा, किसी के में कुछ लिखा होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों अनलिमिटेड सारा कुछ यहाँ पर दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं दोस्तों, आप एक दिन में कितना डाटा खर्च करना चाहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये सारा कुछ मैं बताऊँगा दोस्तों, इसके पूरे वीडियो में बताऊँगा दोस्तों ये आपको क्यों करना है और ये जो डाटा है दोस्तों कहाँ खर्चा होता है, कैसे खर्च होता है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने हिसाब से डाटा सूट कर लेना है दोस्तों। मैं यहाँ पर नो डाटा सूट कर रखा है, इसमें 5 MB लगा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर अनलिमिटेड लगा देते हैं दोस्तों, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि फोटो ऐप से आपका जो डाटा है वो कितना सारा यूज हो चुका दोस्तों। एक ही झटके में आपका जो डाटा है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा दोस्तों। अभी बताऊँगा दोस्तों अनलिमिटेड लगाने से मतलब क्या सारा कुछ होगा दोस्तों। इस वीडियो को फुल कम्प्लीट देखो दोस्तों, ये 5, 10, 30 MB का सिस्टम्स क्या है सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि दोस्तों, जैसे कि आपने मतलब कोई मतलब वीडियो शूट की दोस्तों, कोई भी वीडियो शूट करोगे दोस्तों, वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों। मान लीजिए आपने 1 MB की वीडियो शूट की दोस्तों, ये एप्लीकेशन क्या करता है दोस्तों, ये जो वीडियो है बैकग्राउंड पे चलाता रहता है और यहाँ पर आपका डाटा भी खर्च होता रहता है दोस्तों। इस कारण से आपका जो मोबाइल का पूरा डाटा खर्च हो जाता है दोस्तों। तो सारा कुछ यही बताने वाला हूँ, तो देखते रहिए वीडियो को फुल कम्प्लीट दोस्तों। ये थी पहली ट्रिक दोस्तों, बताइए कमेंट करके और लाइक करिए दोस्तों, बता दीजिए ये ट्रिक आपको कैसी लगी दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड ट्रिक की ओर दोस्तों। सेकंड ट्रिक दोस्तों बहुत ही खतरनाक और सबसे अच्छी दोस्तों ट्रिक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस ट्रिक का अगर आप गलत उपयोग करोगे तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आपको कोई चलाक दोस्त या चलाक कोई आदमी है दोस्तों, अगर आपकी गैलरी पर आता है और आपका पूरा का पूरा गैलरी फुटेज हैक कर लेता है दोस्तों, यहाँ पर वो सिस्टम भी है दोस्तों। तो दोस्तों, वैसे तो ये कमाल की एप्लीकेशन है, बहुत एप्लीकेशन है, लेकिन दोस्तों इसे इसका कोई मिस यूज भी कर सकता है दोस्तों। इसके मैं आज यही बताऊँगा दोस्तों सेकंड ट्रिक की तरफ से दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए वीडियो में। 2-3 ट्रिक और भी बहुत ही कमाल कमाल की बताने वाला हूँ।
तो दोस्तों सेटिंग ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की ओर शेयरिंग का ऑप्शन आता है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों ऐड ए पार्टनर अकाउंट। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि आप यहाँ पर कोई दूसरा पार्टनर, मतलब जैसे कोई दोस्त है या कोई फ्रेंड है, कोई मामा है, कोई दीदी है, कोई पापा दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप उसे मतलब यहाँ पर आपको एक मेल ऐड करनी होती है दोस्तों। मैं आपको ऐड करके भी बताऊँगा दोस्तों, ठीक है ना। पहले मैं आपको थोड़ा बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर मेल ऐड करनी होती है दोस्तों। जैसे आप मेल ऐड कर देते हैं दोस्तों तो आपको पता भी नहीं चलता दोस्तों, आप जितने भी फोटो खींचेंगे, जितने भी वीडियो बनाएंगे, गंदे या अच्छे वीडियो हो, सारे के सारे वीडियो उस मेल पर चले जाएंगे दोस्तों, और आपके ये पता भी नहीं चल पाएगा दोस्तों। जैसे कि आपको चलाक दोस्त ने यहाँ पर जैसे कि चले जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों जैसे कि आप चले जाते हैं, जाने के बाद गेट स्टार पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है सेट मतलब शेयर योर लाइब्रेरी दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी लाइब्रेरी शेयर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई भी आप एक मेल देकर दोस्तों यहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं, मतलब सेलेक्ट पार्टनर। यहाँ पर मेरे सारे कोई बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, किसी को मैं पार्टनर बनाना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर मैं किसी को पार्टनर नहीं बनाने चाहूंगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे आप पार्टनर बना दोगे, यहाँ पर मेल सेट कर सेलेक्ट कर दोगे और रेडी कर दोगे, मतलब चालू गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दोगे दोस्तों, तो आपकी जो फोटेज हैं, वीडियो हैं, सारा कुछ डाटा जो फोटो गैलरी पे आता है वो सारा का सारा उसके फोन पर चला जाएगा फोटो गैलरी ऐप पर दोस्तों। तो ये शेयरिंग का जो लाइब्रेरी का बहुत ही कमाल का फीचर है दोस्तों, इसे अच्छे काम के लिए आदमी यूज करें, ना कि गलत काम के लिए दोस्तों। चलते हैं थर्ड ट्रिक की ओर दोस्तों, बहुत ही लाजवाब ट्रिक है दोस्तों। इसमें भी अगर आपको पसंद आई हुई है ट्रिक तो एक वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ जाना है और जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर शेयर योर लाइब्रेरी को चेक करना है दोस्तों। अगर आपको इस प्रकार से मिल रहा है तो दोस्तों ये आपका सही है। अगर दोस्तों यहाँ पर एक्टिवेट है मेल चढ़ी हुई है दोस्तों, आप यहाँ से उसे मेल को डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। आपकी जो गैलरीज के फोटोज़ हैं वो कहीं और शेयर नहीं होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये है कमाल की ट्रिक। तो चलते हैं दोस्तों सेकेंड मतलब थर्ड ट्रिक की ओर दोस्तों। थर्ड ट्रिक बहुत ही कमाल की है, बहुत ही लाजवाब है यार दोस्तों, ठीक है ना। इस वीडियो को फुल देखो दोस्तों। ये एप्लीकेशन अगर आप मतलब आपके फोटो पुराने डिलीट हो गए हैं दोस्तों, उसे आप बैकअप कर सकते हैं यार। ये एप्लीकेशन बैकअप का भी काम करती है दोस्तों, आपकी फोटेज इमेज बैकअप का भी काम करती है दोस्तों। तो सिंपल से ट्रिपल डैश पे जाना है, जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, फ्री अप स्पेस दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा दोस्तों। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा, तो वीडियो को देखते रहो। सॉरी दोस्तों मैंने गलत बैक इसको बैक करते हैं, ठीक है ना। बैक करने का फिर से ट्रिपल डैश में क्लिक करेंगे, क्लिक यहाँ पर ट्रिपल डैश पे, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको एक बिन का ऑप्शन आएगा दोस्तों, मेरे में नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि मेरा बहुत ही पुराना सेट है, इस वजह से मेरे पे नहीं आ रहा है। यहाँ पर बिन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों वहाँ पर आपको रिस्टोर कर देना है, आपकी सारी की सारी फोटेज आ जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों ये भी ट्रिक बहुत ही लाजवाब है। बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही बताने वाला था दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर फिर से आऊँगा दोस्तों। तो बस आज की